दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज में गुवाहाटी में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के कप्तान बाउमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सोचा कि भारतीय बल्लेबाजों को कम से कम रन में निपटा देंगे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज आज के मैच में कुछ अलग ही मंशा लेकर उतरे थे। भारत के ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित और राहुल ने अपनी मंशा पहले ही ओवर में साफ कर दी थी। दोनों ने मिलकर आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे। रोहित शर्मा ने 37 बॉल में 43 रन और उनके साथ राहुल ने 28 बॉल में 57 रन जड़ दिए। साउथ अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज ने राहुल और रोहित को आउट तो किया, लेकिन उसके बाद कोहली और सूर्या ने मिलकर रन बोर्ड पर भूचाल ला दिया। कोहली ने 28 बॉल में 49 रन और सूर्या ने 5 चौके और 5 छक्के जड़कर 22 बॉल में 61 रन की शानदार पाली खेली। भारत ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 237 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीका को दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने कप्तान बाउमा का विकेट 0 रन पर ही खो दिया। उसके बाद रिले रोसो को भी अर्शदीप ने 0 रन पर ही पवेलियन वापस भेज दिया। अर्शदीप ने 2 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को बिल्कुल दबाव में ला दिया, लेकिन क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर की शानदार पारी ने साउथ अफ्रीका के खेमे में जान तो लाई, पर इन दोनों की पारी ने मैच में जीत नहीं दिला पाई। क्विंटन डिकॉक ने 48 बॉल में 69 रन और उनके साथ आए डेविड मिलर ने 8 चौके और 7 छक्के जड़कर 47 बॉल में नाबाद 106 रन की तूफानी शतकीय पारी खेली। दोस्तों, डेविड मिलर ने भले ही अपनी टीम को मैच में जीत नहीं दिला पाए, पर उनकी नाबाद 106 रन की पारी ने सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने आज पहली बार साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज जीती है। तो दोस्तों, भारत ने इस जीत के साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित कर लिया है। तो दोस्तों, आपको आज का मैच कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।